हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए, क्यों जैसा कि उनका बोर्ड के एग्जाम से पहले उनका प्रैक्टिकल आ चुका है, तो प्रैक्टिकल में किस तरीके से उन्हें वाजिबा देना है और कैसे प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि उनको 30 में 30 नंबर जो है बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाए। और प्रैक्टिकल के दौरान यानी जब आपका वाजिबा हो रही हो तो उस दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है जिससे कि आपको एग्जामिनर खुश होकर के जो अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और जिस तरीके से हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसी तरीके से आप जो है प्रैक्टिकल में वाइवा भी इसी तरीके से आप दीजिएगा, आपका वाइवा बेस्ट हो जाएगा और आप एग्जामिनर जो है आपको बेस्ट नंबर देगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको आपको बताते चले कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जबरदस्त क्लासेस चल रही इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए सिंपल सा आपको काम करना होगा कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। बाकी जितने भी यूट्यूब पर आपके इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर भी भेजा जाता है रोजाना और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जाता है, तो दोनों से आप सभी जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास है उसको आप अच्छे से लीजिए और जो बताया जा रहा है वहीं आप करिए। आप एक महीने में जो है जबरदस्त तैयारी करके और बोर्ड एग्जाम में एक शानदार टॉप नंबर ला सकते हैं, तो सिंपल से आपको ये काम करना होगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट मिलकर के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर वो स्टूडेंट के पास पहुंच सके जो स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल से डरते हैं या वाइवा कैसे देते उनको नहीं पता है, तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है, और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए आप सभी का स्वागत, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ में आप व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं अब ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप अभी तक जो स्कूल में आपको बताया गया है प्रैक्टिकल के लिए जितने भी आपको फाइल बनाना है, जैसे कि मान लेते हैं आपका जीव विज्ञान का भी जीव विज्ञान वाले बच्चे जो होंगे उनका जीव विज्ञान का भी पेपर होगा। ठीक है, और इसके बाद रसायन विज्ञान का होगा। ठीक है, रसायन विज्ञान का होगा और आपके भौतिक विज्ञान का होगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान का होगा, ये तीन आपके प्रैक्टिकल होने हैं। ठीक है, तो किन्हीं किन्हीं छात्रों का तीनों होगा, जो बायो लिए होंगे तो उनको तीनों देना होगा और जो मैथ लिए होंगे बच्चे उनको रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को फाइल रेडी रखनी है। ठीक है, फाइल तैयार रखनी है, जो भी आपकी स्कूल में जो भी प्रैक्टिकल में जितने भी चीजें बताई गई नोट करने के लिए, तो आप लोग फाइल जरूर तैयार रखिएगा। फाइल बगैर आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे तो आपका मान कर चलिए कि आधा नंबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपके हाथ में फाइल देखता है, तो इस चीज को भी सभी बच्चे ध्यान देंगे कि फाइल तीनों सब्जेक्ट का आपको तैयार रहना चाहिए, आपके पास आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप जैसे कि मान लेते हैं कि आप रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के आप प्रैक्टिकल के लिए आप जा रहे हैं तो आपके हाथ में तो कुछ होना चाहिए ना। अगर स्कूल वाले अगर चार्ट भी बनवाते हैं किसी टॉपिक को लेकर के तो आप चार्ट भी बना सकते हैं। बाकी फाइल आप जरूर तैयार करिएगा क्योंकि एग्जामिनर के जब सामने आप जाएंगे सबसे पहले एग्जामिनर आपके हाथ में वो फाइल देखेगा। अगर फाइल नहीं रहेगा तो आपका 30 में से पहले ही आपका नंबर कटने हैं। ठीक है, तो 30 में से आधा आपका नंबर वैसे ही हो जाने हैं और मिनिमम आपको प्रैक्टिकल में 10 अंक हो चाहिए। किसके लिए? प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अभी आपके पास समय है, अगर जो बच्चे अभी तक फाइल नहीं बनाए हैं तो बिल्कुल आप तीनों सब्जेक्ट का फाइल बना लीजिएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने जो भी क्वेश्चन बैंक खरीदा हुआ है उस क्वेश्चन बैंक के लास्ट में आप देख पाएंगे किस तरीके से उसमें आपके प्रयोगात्मक कार्य यानी कि आपको फाइल बनाने के लिए जो जो आपके प्रैक्टिकल में होने चाहिए कुछ वहां पर आपको दिया हुआ है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये रही दोस्तों आपकी फाइल की, पहला पॉइंट आपने फाइल, तो फाइल आप सभी के हाथों में अच्छे से होनी चाहिए। और ध्यान सुनिएगा बच्चे, फाइल तैयार करने के बाद जो उस फाइल को अच्छे से आप उसके ऊपर बहुत शानदार और सुंदर से लिखिएगा अपना नाम, जो भी आपका रोल नंबर है वो सब लिखिएगा जिससे कि एग्जामिनर जो है अट्रैक्ट हो सके कि बच्चा बहुत मेहनत किया हुआ है तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। तो फाइल आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए,
तीनों सब्जेक्ट की, यानी बायो वाले बच्चे हैं तो बायो का भी रहेगा और मैथ वाले बच्चे हैं तो आपका रसायन और भौतिक विज्ञान का होना चाहिए। तो ये सभी बच्चों के पास होना अनिवार्य है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपने फाइल बना रखा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद अभी आपको बताएंगे और हम वो भी गलतियां बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलती आपको प्रैक्टिकल के दौरान, आपको कौन सी गलती वाइवा के दौरान, आपको कौन सी गलती नहीं करनी, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट, पहला बात हमने क्या बताया कि आपको फाइल तैयार रखनी है, फाइल तैयार रखना है, सही बच्चे ध्यान देंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं वाइवा की, वाइवा कैसे दें, ठीक है। अब ये बात आ जाती क्योंकि आपका ये तैयार हो गया तो अब फिर उसके बाद क्या है, वाइवा। अब वाइवा के लिए बच्चे ध्यान देंगे, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे यहां पर वाइवा के लिए, ठीक है, वाइवा के लिए, वाइवा के लिए आप सभी को ध्यान देना है कि वाइवा में आपको क्या पूछा जाएगा, ध्यान सुनेगा। जैसे कि मान लेते हैं रसायन विज्ञान में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है हम आपको वो बताते हैं, जैसे रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, ठीक है। क्या पूछा जाता है आपसे, जो आप प्रयोग संख्या, जो आपने प्रयोग प्रैक्टिकल में बनाए होंगे या तो वो प्रयोग पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि बात कर लेते हैं, यहां पर हमने एक प्रयोग संख्या लिया हुआ केमिस्ट्री से, तो यहां पर आप चीजें देख पाएंगे, जैसे कि ये हमने एक प्रयोग संख्या यहां पर लिया हुआ है, जैसे कि आपने कोई प्रयोग संख्या बनाया है उसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि यहां कहा है कि एल्कोहलिक फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और प्राथमिक एमिनो का समूहों का आपको परीक्षण करने के लिए आपने ये प्रयोग में बनाया हुआ है, ठीक है। आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए वो आपको पता हो गया कि परख नली केमिस्ट्री, तो भाई परख नली चाहिए चाहिए, ठीक है। और आपको परख नली स्टैंड, परख नली होल्डर दिया गया, कार्बन यौगिक, आसुत जल, अभिकर्मक, स्पिट लैंप इत्यादि आप आवश्यक सामग्री में अब कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि प्रयोगात्मक समूह में जैसे कि आपने एल्कोहलिक हाइड्रॉक्सिक समूह का अगर आपने परीक्षण किया है तो रासायनिक परीक्षण में आपने क्या क्या किया, ठीक है। तो दो तीन चीजें आप करेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि क्या निकल करके आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका परीक्षण जो है सफल हो गया है। तो जैसे कि पहला इसमें पॉइंट है कि कार्बनिक द्रव लाल या नीले लिटमस कागज के रंग को बदलता नहीं है, और दूसरा इसमें पॉइंट कहता है कि शुद्ध कार्बनिक द्रव में शुष्क सोडियम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा डालने पर तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस निकलती है, और लास्ट में आप ये तीसरा इसमें परीक्षण आप करेंगे लास्ट में कि कार्बनिक द्रव में थोड़ा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अभिकर्मक का ताजा विलयन डालने पर लाल रंग आता है, तो वह क्या होता है, वो एल्कोहलिक यानी OH समूह उपस्थिति निश्चित हो जाता है। अगर ये चीजें दे देती तो हम कह सकते हैं हमारा परीक्षण जो है सफल हो गया। तो या तो आपसे एग्जामिनर किसी भी आपके प्रयोग संख्या जो कि उसमें से किसी का आपको परीक्षण आपसे पूछ सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो परीक्षण में भी आपको चीजें याद होनी चाहिए, शुरुआती दौर में ये सब चीजें करते हैं एग्जामिनर, उसके बाद जब और धीरे धीरे समय बीतता है तो एग्जामिनर क्या करते हैं वो भी सुन लीजिए आप लोग। तो आपसे जैसे कि आप केमिस्ट्री का अगर आप दे रहे हैं तो आपसे सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे सूत्र पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपसे जैसे रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान में आपसे क्या पूछे जाएंगे भाई, सूत्र पूछे जाएंगे, ठीक है। रासायनिक सूत्र, क्या रासायनिक सूत्र आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादातर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होगा। तो याद रखिएगा आपके सिलेबस में जितने भी छोटे मोटे आपके रासायनिक सूत्र हैं आप याद रखिएगा, जैसे खाने वाला सोडा का सूत्र हो गया, जल का सूत्र क्या हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें, और आपके जैसे कि आपके एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या हो गया, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से जो निजी फार्मूले हैं बेसिक तौर पर वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए। हमने बताया रसायन विज्ञान के बारे में, ठीक है। अगर आप भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो आपको क्या वाइवा दे रहे हैं तो क्या करना होगा, भौतिक विज्ञान में भी आपको सूत्र याद करनी है, ठीक है, भौतिक विज्ञान में भी आपको सूत्र याद करनी, जैसे विद्युत धारा का सूत्र क्या हो गया, ठीक है। आपके बुक में जो भी छोटे छोटे, यानी कि अगर बात कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बैंक में आपके जो बहुविकल्पी, ठीक है, बहुविकल्पी और अति में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे मोटे, जैसे कि आंतरिक आपके प्रतिरोध का, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, या आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र बताइए, या आंतरिक प्रतिरोध की आप परिभाषा बताइए, वैद्युत धारा क्या होता है वो बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सब चीजें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली तौर पर, ठीक है। तो इस सब चीजों को आपको याद
करना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में ये सब चीजों को आपको ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, फार्मूले सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे नॉर्मल तौर से, ठीक है। या भी जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि गॉस का नियम बताइए, गॉस का नियम क्या है, गॉस का सूत्र बताइए, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है आपसे एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। और जो बायो वाले बच्चे होंगे तो आपको बताते हैं बायो में जितने भी आपके छोटे छोटे एक अंक और दो अंक वाले जो भी क्वेश्चन है शार्ट टाइप के, वो आप तैयार रखिएगा, उसी से आपके बायोलॉजी से आपके वाइवा लिए जाएंगे और आपके आपके जो प्रैक्टिकल में आपने जो बनाया हुआ है उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहा दोस्तों कि वाइवा में क्या क्या एग्जाम अक्सर पूछते हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, अब ध्यान सुनिएगा, अब आगे बात कर लेते हैं कि एग्जाम वाइवा के समय में आपको गलती क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप प्रेम से बिल्कुल एग्जामिनर के सामने आप जो भी आंसर आता है बिल्कुल बेहिचक दीजिएगा, ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ डांटेंगे कुछ नहीं। अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पाता या जो आपसे पूछा गया वो नहीं आता, तब सिंपल आराम से कह दीजिए कि सर मुझे याद नहीं है, ठीक है। अगर आता है तो आप सिंपल तरीके से आप उनको दीजिएगा, ठीक है, आंसर दीजिएगा। या फिर जैसे बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उनको एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो फटाफट बताते हैं, तो वो थोड़ा सा टेंडेंसी में यानी कि उत्सुकता के साथ बताते हैं, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्राउड करके बताते हैं कि हमें तो आ रहा है। लेकिन ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं पर भी फंसा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको सब चीजें याद है, ठीक है। तो एग्जामिनर के हाथ में, अगर वो आपका लेना चाहेगा तो आपको किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ करके फंसा करके आपको नंबर काट देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर 30 में से 30 लानी है, तो हमें क्या करनी, जो आंसर आ रहा है तो आप प्यार से बताइए, अगर नहीं आ रहा तो आप सिंपल से बोल दीजिए सॉरी सर हमें याद नहीं है, तो आपसे हो सकता है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, या फिर हो सकता है कि आपको फिर बोल दे कि ठीक है बेटा आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप करना है, आपको बिल्कुल घमंड में होकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल में वाइवा देते समय आपको ये याद रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके वाइवा में। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।